तो तुमने कोई भी छोटी मोटी चीज अगर ऊपर नीचे बोली ना तो भाई दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हो ना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका खास दिल्ली से सागर बदमाश और आपका स्वागत करता हूं एक बहुत प्यारे प्यारे फ्रेश फ्रेश से व्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है अभी किसान आंदोलन दोबारा से चल रहा है और किसान लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी अपनी डिमांड्स हैं। तो इसी चीज़ों को लेके दिल्ली के हरियाणा के बॉर्डर थोड़े बंद कर रखे हैं, मतलब दिल्ली के हरियाणा के क्या मोस्टली दिल्ली वाले बॉर्डर जो भी हैं टच है उनसे जो भी वो बॉर्डर बंद कर रहे हैं, जैसे कि यूपी के हो गए, आपके हरियाणा के हो गए। तो रिसेंटली अभी मेरे को जस्ट कॉल आया, मेरे को किसी काम से जाना है दिल्ली के बॉर्डर पार, यानी कि हरियाणा जाना है, और मैं जाऊँगा अपनी बाइक से, यानी कि अपनी स्प्लेंडर से। तो अभी मेरे को लगता है क्या पता बॉर्डर वगैरह अगर बंद कर रखे हो तो कैसे कुछ आना जाना करेंगे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आगे, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी चलते हैं, तो जैसा जैसा रास्ते में होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या अगर बॉर्डर बंद है कैसी क्या वहाँ पर दशा चल रही है, कैसी क्या सिचुएशन है। तो बने रहना ब्लॉग में, मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं आगे, दिखाता हूँ आपको ब्लॉग। तो भाई ये खड़ी अपनी प्यारी प्यारी बाइक और ये हो गए रेडी हम, तो अब चलते हैं। ये रहा बैग, बैग के अंदर भाई सामान है क्योंकि दो दिन के लिए जा रहा तुम्हारा भाई, तो बैग के अंदर सामान है। ये तुम्हारा हेलमेट, एयरपोर्ट, फोन से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो बाकी सारा सामान ऑल सेट। लेते हैं मम्मी का आशीर्वाद। आशीर्वाद मॉम। तो चलते हैं। तो मम्मी ने बोला कि भाई थोड़ा किसान आंदोलन हो रहा तो फिर भाई देख के भी आ जाइए और अपने जो काम से जा रहा है वो भी देख के ही, भाई पता होना चाहिए ना किसान भाई क्या करना चाह रहे हैं, अपनी भाई सर सब किसान भाई क्या कर रहे हैं, क्या उनकी डिमांड है। अगर थोड़ा जो भी अच्छा दिखेगा वो सब रिकॉर्ड कर लेंगे, क्यों मम्मी। हाँ, और क्या, और जरूरी काम भी है, फिर जरूरी काम भी है और इसी बहाने देख भी लेंगे भाई क्या कुछ बॉर्डर पे चल रहा है। तो चलते हैं भाई। हाँ। तो भाइयों हम निकल चुके हैं अब घर से, अभी ये कुछ रास्ता आगे का देखो, पूरे तुम्हारे भाई का चांद सा निखरा हुआ चेहरा देखो एकदम चलते हुए, और पीछे का रोड, ये साइड का रोड, ये तुम्हारा भाई, पूरे तुम्हारे भाई की स्प्लेंडर। यार पता है व्लॉग बनाना ना सच्ची में बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि तुम्हें पता रहता भाई क्या कुछ तुम्हें, मतलब सोचना भी पड़ता है कई चीज़ अपनी तरफ से एफर्ट डालने पड़ता है कि ये चीज़ यहाँ पे जाके ऐसे शूट कर सकते हैं तो अच्छी लगेगी, और वहाँ पे जाके ये चीज़ें, मतलब तुम्हें वर्ड भी चूज करने पड़ते हैं कि क्या चीज़ अच्छा लगेगी, क्योंकि तुमने कोई भी छोटी मोटी चीज़ अगर ऊपर नीचे बोली ना तो भाई दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हो ना। बाकी धीरे धीरे अगर तुम करते रहोगे तो तुम्हें भाई आ जाएगा कि कैसे क्या कुछ व्लॉगिंग करनी है, और थोड़ा तो देखो शर्माना और माना भी लगा रहता है, क्योंकि नए ब्लॉगर बनोगे ना थोड़ी शर्म लगती है। अब जैसे ऑटो वाला भी मेरे को देख के क्या कर रहा है, पर कोई नहीं, धीरे धीरे सीखते हैं भाई, बातचीत करते रहो, कैमरे को दोस्त बनाओ। गाइस अब आ चुके हैं मेन रोड पे, तो अब लगा लेते हेलमेट, इससे पहले तुम भी मुझे ज्ञान दो और मैं भी अपने आप को ज्ञान दूं। हेलमेट लगा लेते हैं, सेफ्टी फर्स्ट। तो गाइस अब लगा लिया हेलमेट और अब चलते हैं हरियाणा की तरफ, ठीक है सेट। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ गुड़गांव यानी कि इफ्को चौक के पास में, और ये पीछे दिखा सकता हूँ ये बिल्डिंग्स, और ये पीछे रहा तुम्हारा इफ्को चौक का, इधर ये पुल सा जो आता है, इस साइड में मेट्रो है, और इस साइड ही हमारे ये ताऊ बैठे हुए हुक्का लेके, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। और मुझे लगा था कि मतलब रास्ते के अंदर ना थोड़ा सा मतलब जाम वगैरह होगा या कहीं तो कुछ नाकाबंदी होगी, बट आया नगर क्रॉसिंग पे भी कुछ नहीं था ऐसा, और उसके बाद आगे इधर रास्ते में क्या सिकंदरपुर साइड भी कुछ नहीं था, और उससे आगे आया वहाँ भी कुछ नहीं था, एमजी रोड पे भी कुछ नहीं था। अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, तो गाइस इधर हुड्डा सिटी सेंटर है, उधर ये इधर ये इफ्को चौक है, और ये था इसका इफ्को चौक का पुल। तो गाइस यहाँ पर तो कोई मैंने ऐसा प्रोटेस्ट वगैरह भी देखा नहीं, तो अभी हम यहाँ से सीधा आगे की साइड को जाएंगे, जो आगे वाला रूट जा रहा है ये सीधा रोड यहाँ से मानेसर, तो अभी मानेसर टोल के आसपास चलते, क्या बात है वहाँ पर हो, कि अपना रास्ता ना यही पड़ेगा जाने का, जहाँ मेरे को जाना है तो यही वाला रास्ता पड़ेगा, तो हम देखते हैं क्या पता आगे हो रहा हो, कुछ हो रहा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो आगे चलते हैं साथ साथ में दोनों, मैं भी देखता हूँ आप भी साथ साथ देखो, आगे हो रहा होगा तो आगे देखते हैं। तो चलो फिर चलते हैं, दोबारा हेलमेट पहन लेते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मानेसर टोल के पास में, ये रहा मानेसर टोल, और अभी मैं इस साइड से आया हूँ। तो यार यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे जाम तो था बट प्रोटेस्ट तो यार यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर तो इस साइड में तो खैर कोई प्रोटेस्ट है नहीं, अब शायद क्या पता दिल्ली के दूसरे साइड के बॉर्डर पे हो, जो नोएडा वगैरह साइड में, तो खैर मैंने सुना था कि नोएडा के साइड में जो बॉर्डर है उनमें प्रोटेस्ट चल रहा है, और वहाँ पर मतलब जाम वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहा है, और मेरे दोस्तों ने भी मतलब मेरे को बताया था, बट इस साइड में हरियाणा वाले साइड के टच में ये जो एक दो जो भी टोल वगैरह पड़े हैं, जो भी बॉर्डर पड़े अपने पास में, तो यार यहाँ पे तो खैर कोई प्रोटेस्ट है नहीं, कि ना ही रास्ते में कोई ऐसा हो कि भाई चलो कोई रैली टाइप की निकल रही हो, या कोई एक होता ना एक
लोगों की भीड़ टाइप की कुछ, तो वैसा भी कुछ नहीं था। गाइस ये रोड देख सकते हो आप, अभी एकदम खाली पड़ा हुआ है। इस साइड तो कुछ ऐसा है नहीं। तो गाइस मेरे को लगा था किसान आंदोलन होगा, मैं जाऊंगा उधर और कुछ क्वेश्चन वगैरह भी पूछूंगा, कुछ उधर ब्लॉग बनाऊंगा, बट ऐसा कुछ था नहीं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हरियाणा में मेरे को जाना है किसी काम से, तो अब मैं जाता हूँ उधर ही। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को करना लाइक कमेंट शेयर और अपने भाई के चैनल को करना सब्सक्राइब, क्योंकि इससे हमें मिलता है मोटिवेशन। और मेरी बाकी वीडियोस भी देखना जाके, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग मैंने डाले हुए हैं और अब डालूंगा भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए धन्यवाद।